क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ पता चला कार्तिक के बारे में? मिसेस वर्बे, हम लोग पिछले 7 दिनों से लगातार मिस्टर कार्तिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। ना तो वो किसी चेक पोस्ट के बाहर गए हैं, ना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह हम लोगों ने नजर रखी हुई है। अगर वो बॉम्बे से बाहर नहीं गए तो बॉम्बे में कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा। मगर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ दिन और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कुछ दिन और मतलब? चाहे जितने भी दिन लगे आप मेरे कार्तिक को ढूंढ कर ही रहेंगे किसी भी हाल में। देखिए मिसेस बर्वे, हम आपके जज्बात समझते हैं, पर हम मिस्टर कार्तिक को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को तो नहीं लगा सकते ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय। पूरे 1 हफ्ते हो गया कार्तिक को कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब कामों के पीछे कोई इंसान नहीं है, कुछ तो और बात है। काकी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को वापस बुलाना ही चाहिए, हमें उनसे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कार्तिक कहाँ है आप? आराम करो कार्तिक, इस दर्द को सहने का आज तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद सब खत्म हो जाएगा। आज की रात हमारे मिलन की रात है। आज रात मैं तुम्हें मार के अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। अब तक मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि शादी के 9 दिन तक सुहागन रहने के बाद ही मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकती हूँ कार्तिक। आज वो दिन आ गया। आज रात 12 बजे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमेशा के लिए एक। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे तुम। कार्तिक को ढूंढने का ये आखिरी उपाय था हमारे पास। मुझे लग ही रहा था कि वहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती की सुरभि को वहाँ भेज के। तो वैसे भी वो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं करती है, इससे अच्छा होता कि मैं चली जाती। हम क्या करेंगे बाबा? कोई तो उपाय होगा ना, कुछ तो हल होगा ना। प्लीज प्लीज बताइए,
कार्तिक की कोई तस्वीर लाओ जल्दी से। हाँ। जल्दी से। जा बेटा। कार्तिक तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, ये दरवाजा बंद करके तुम मुझे रोक पाओगे? नहीं कार्तिक, अब कोई भी और कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता। मुझे गुस्सा दिलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है कार्तिक, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मैं कहती हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब तुम देखना कितनी दर्दनाक मौत दूंगी मैं तुम्हें, देखना अब तुम। खुशी, खुशी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कैसे पहुंची यहाँ पर? सॉरी मामा, वो ना मैं पापा को यहाँ ढूंढने के लिए आई थी, मैं उनको बहुत मिस कर रही थी ना, और उनकी बहुत चिंता भी हो रही थी। मामा प्लीज आप पापा को ढूंढ निकालो, प्लीज मामा प्लीज। खुशी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खुशी जगह ठीक थी, तुमने देखा ना अभी क्या हुआ। खुशी, पापा। खुशी, खुशी चलो, मम्मा, चलो। हाँ मुझे बचाओ। हाँ मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। डरो मत खुशी। मुझे कोई बचाओ, पापा मुझे। यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा खुशी। पापा, पापा उठो पापा। अपने कमरे में होगी ना, ठीक से देखा आपने? हाँ नहीं, मैंने सब जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिल रही है। उस स्थान पर दो व्यक्ति हैं। ना आप लोगों से ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो लड़की इच्छा उसकी गैंग थी, वो कोई आत्मा नहीं थी। ताई। ताई ने किया ये सब कुछ।